देखिए, भारत सरकार ने जो कदम उठाया ना, ये कदम उठाकर सरकार ने सभी गरीबों का दिल जीत लिया है, उनकी बहुत बड़ी मदद की है। अब क्या होगा कि अब डॉक्टर्स आपसे पैसे नहीं लेंगे। जी हाँ, अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ जानने के लिए इस पूरे वीडियो को आप अंत तक देखिए। दरअसल जो प्राइवेट डॉक्टर्स होते हैं उनको कंसल्टेशन के लिए हम 1,000, 2,000, 5,000 तक फीस देते हैं, जिससे हमारी दवाइयों का तो खर्चा पड़ता ही है, जो तो हमें देना ही है। लेकिन कंसल्टेंसी की जो फीस होती है वो एक गरीब इंसान के लिए, एक मिडिल क्लास व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। अब उस मुसीबत को कम करने के लिए भारत सरकार ने अपनी ई संजीवनी ओपीडी, ये वेबसाइट और ये आप लॉन्च की है। इसके जरिए आप गूगल में जाकर जब इसे लिखेंगे, ई संजीवनी ओपीडी वेबसाइट जो खुलेगी, सरकारी वेबसाइट है, उस पर क्लिक करेंगे। आप डॉक्टर है या पेशेंट है, आप ऑफकोर्स पेशेंट है तो पेशेंट पर क्लिक करेंगे। अब अच्छी बात यह है कि यहां से आपको कंसल्टेशन फ्री में मिलेगा और सारे रजिस्टर्ड डॉक्टर यहां पर है। और बेस्ट पार्ट यह है कि जो डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्रिप्शन देंगे वो ऑल ओवर कंट्री में वैलिड भी होगा, यानी कि कोई भी बीमारी आपको है आप ऑनलाइन डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, वो भी बिल्कुल मुफ्त में दवाई प्रिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा और दवाई ले लीजिए और अपने डिजीज को लेकर फॉलोअप भी उनसे आप ले सकते हैं। तो ये वाकई में एक बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है। तो इस इनिशिएटिव को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें ताकि हर गरीब और मिडिल क्लास व्यक्ति के लिए सहूलियत हो सके।